ये नमो नमः लाइव महाराज जी की कर देना मेरी रहता हाँ कर इस बढ़िया से कर इसका मतलब बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शिष्यमद भक्ति वेदांत शील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद समस्त रूपानु गुरुवर के चरण कमलों का स्मरण करता हूँ और उनकी भी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। हमारे बीच में पूज्य पाठ श्री भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। महाराज जी की भी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। जितने भी यहाँ प्रभु लोग हैं, जितनी माताएं सूर्यमचारी हैं, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। कालंदी माता शांत धीरे धीरे बैठो, आराम आराम से। बच्चे को पीछे चल गया, तुम सुनोगे नहीं, बच्चे भी नहीं सुनोगे उसको। अभी आराम से बैठ जाओ, शोर मत मचाओ। उस बच्चे को लेकर पीछे बैठो, ऐसे कठिन है। अगर दो माता बैठी और शोर ना मचाए कठिन है, पर फिर भी कोशिश करो। है हम लोग बहुत सौभाग्यशाली, आज हमारे घर में महाराज जी आए हैं। हम ही लोग नहीं, बड़े बड़े महाराज युधिष्ठिर महाराज भी अगर नारद जी आ जाते थे ना, सारा काम का छोड़कर, बातचीत छोड़कर, खाना बनाना नहाना धोना छोड़कर, सब संतों को ऐसे भक्त थे जैसे भगवान आ गए। और भगवान से भी बढ़कर संत लोग हैं। कहते हैं तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम। जो भगवान के भक्त होते हैं उनके हृदय में क्या होता है, भगवान विराजमान है। जब किसी के घर में यदि संत आ रहे हैं तो समझ लो क्या है, उनके घर में सारे सौभाग्य की लक्ष्मी देवी हैं, जितना भी उनका कल्याण है, मंगल है और जितना भी सब कुछ है, उनके घर में आज भगवान के साथ, लक्ष्मी नारायण के साथ, राधा कृष्ण के साथ भगवान साक्षात आ रहे। तो इसलिए सारे कामों को छोड़कर, अभी तो काम है तो हम रोज करते हैं, नहाना स्नान करना धोना, वैसे तो नियम है जिस दिन संत लोग आए ना पहले कर लो सारे काम, अगर नहीं है तो फिर उसको छोड़ के आगे पीछे बैठो। और क्या करो, वो जो चीज देने के लिए आए ना, बहुमूल्य चीज है, तो उन चीजों को ग्रहण करो। तो हमारे बीच में महाराज जी आए और ये हुआ है इनकी कालंदी माता चाची की कृपा से। यहाँ इनका घर है, बहुत दिनों से कह रहे थे आने के लिए महाराज जी, और हमारा प्रोग्राम भी 2 बजे से भागवत भी थी तो हो नहीं पा रहा था, परंतु इनका सौभाग्य इतना ज्यादा रहा, इनकी हृदय की भावना इतनी अच्छी रही कि हम लोगों को प्रोग्राम सारे इधर उधर कैंसिल करने पड़े और हम लोग इधर आए, तो ये हमारा परम सौभाग्य का बात है। तो कहने का एक तात्पर्य, बड़े सुंदर सहज और सरल रूप में कथा सुनाता हूँ, आप उसको बड़े ध्यान से सुनना और उसकी शिक्षा लेना। भगवान ने भगवत गीता में कहा है, बहुत सारी बातें बोली है, और भगवत गीता जो ग्रंथ है वो सबके लिए, विशेषकर गृहस्थों के लिए। कोई कहता ना, अरे भजन करना तो साधु संतों का काम है, हमारा कोई काम है, कहे नहीं। कहे जो गीता का जो उपदेश है ना, ये किसको दिया भगवान ने, सबसे पहले गृहस्थ को दिया। अर्जुन कौन है, गृहस्थ, लड़ाई है, एक बीवी नहीं 3-4 बीवी थी। हाँ, और एक लड़ाई का मैदान, वहां पर कौरव की सेना खड़ी है, यहाँ पांडव की, बीचों बीच रथ को ले जाकर ये गीता का उपदेश भगवान ने दिया। तो हम भी सबसे, वैसे तो ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी चारों आश्रमों को ही गीता पढ़नी चाहिए, और विशेषकर सारे जीवों के लिए कल्याण के लिए है, और विशेषकर गृहस्थों के लिए भगवत गीता का उपदेश है। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा जो परेशान लोग है आज क्या है, गृहस्थ लोग है बेचारे। किसी के भी घर में जाओ, बड़े बड़े घर है पर देखो किसी की कोई, किसी का पैरालाइज हो रहा है, किसी की शुगर बढ़ी है, किसी की ब्लड प्रेशर है, किसी की पड़ोसी से नहीं बननी, किसी की बहू के साथ नहीं बननी, किसी के कहीं कहीं, किसी के कहीं बड़ी समस्या है, शांति नहीं है, हैं? सोफा सेट है, बर्तनों का सेट है, गाड़ियों का सेट है, पर मन अपसेट है। तो मन ही क्या है हमारा, इस सेट नहीं है, सब कुछ है, क्यों नहीं है, क्योंकि मन की जो खुराक है, ये ना घर के मालिक जो नहा रहे थे,
जय हो चाचा जी की जय। बैठ यहाँ बैठ आगे बैठ। अब चाचा जी भी आ गए, अब ध्यान से सुनो भाई। बस चाची जी तो है। हाँ चाची तो पहले से ही है, कोई बात नहीं, पता लग रहा था। ठीक बैठ ऊपर से, ठीक से ठीक आराम से बैठ, मैं घबरा हुआ। तो हम लोगों क्या है, हम लोग दुखी हैं। दुखी क्या है, इसलिए दुखी हैं कि देखो मन की खुराक अलग है और शरीर की खुराक अलग है। जैसे एक पिंजरा में एक तोता है, तोते को तो दाना खिला रहे हो, हाँ सब कुछ खिला रहे हो, नहीं पिंजरे को तो साफ कर रहे हो बहुत अच्छी तरह, और तोते जो उस पिंजरे के अंदर बैठा है उसको कभी कुछ चुग्गा नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे, गेहूं नहीं दे रहे, चावल नहीं दे रहे, और रोज पिंजरे को साफ करके अच्छी तरह फिर तोते को उसके अंदर रख देते, तोते का क्या होगा बताना, धीरे धीरे करके कमजोर हो जाएगा, फिर मर जाएगा। तो हम इस शरीर को तो बहुत कुछ कर रहे हैं, शरीर है ये किसके अंदर है, आत्मा। तो शरीर की खुराक क्या है, साबुन से नहलाना धुलाना, शैंपू लगाना, ब्यूटी पार्लर जाना, ये खाना टिक्की गोलगप्पे आदि आदि, ये तो खूब कर रहे खूब कर रहे। पर हम जो इसके अंदर जो देखो दुख कहाँ होता है, मैं बार बार बताता हूँ। मैंने इसके जैसे बच्चा आई, अब इसको खड़े करके आप थप्पड़ मारा, बड़ी जोर की थप्पड़ मारा, तो इसको लगेगा गाल में कितनी देर लगेगा, एक मिनट दो मिनट दर्द होगा, बस एक सेकंड जितनी मारा फिर धीरे धीरे बंद हो जाएगा। पर जो इंसल्ट फील होगी, बेइज्जती कहाँ लगेगी, जाके कहाँ लगेगी, अरे मेरे सबके आगे मार दिया, अभी नहीं रात को भी सोचेगा सबके आगे मार दिया, सुबह भी सोचेगा मेरे को इतने सारे आगे मार दिया। तो ये कहाँ मन में फील होती है, और मन के विषय में हम कुछ जानते नहीं है, फिर इसके आगे बुद्धि भी है, फिर इसके आत्मा भी है, उसके विषय में भी हम नहीं जानते। तो हम इस ऊपर ऊपर के पिंजरे को हम सजा रहे हैं, ऐसे मछली है, अगर मछली को पानी से निकालो, मछली पानी, मछली का जीवन है पानी, और मछली को आप निकाल के पानी से ले आओ और बहुत बढ़िया मखमल के गद्दे पे बेड पे लुटा दो, एसी घर में, टीवी लगा दो एलईडी, हैं मोबाइल भी रख दो बढ़िया एंड्रॉइड उसके सामने, मछली सुखी हो जाएगी, हो जाएगी नहीं। मछली का जीवन क्या है, पानी। हमारा भी ऐसे ही, कितनी चकाचौंध कुछ भी कर लो आप, भगवान कहते हैं गीता में ये संसार क्या है, दुखालयम और अशाश्वतम, दो दो ही चीज बताई भगवान ने, इन दो चीजों को समझ ले, कह रहे इस संसार में दुख है, संसार दावा नल नल लीड लोका त्राणाय कारुण्य घना घनात्मम प्राप्तस्य कल्याण गुणान वस्य बंदे गुरु सी चरणारविंदम। क्या करे भगवान, ये संसार क्या है, दावानल है, दावानल समझते हो, दावानल उसे बोलते हैं, एक अग्नि होती है जो जंगल में लगती है। अभी उत्तर अमेरिका में एक आग लगी थी, कनाडा के जंगलों में आग लगी थी, ये दावानल इसलिए बोला, ये जो आग होती है ना ये अपने आप लगती है, दो पेड़ों के पेड़ बड़ी तेज आंधी आती है, पेड़ घसटते हैं ना, उन दोनों के घर्षण से आग लग जाती है, पूरे जंगल के जंगल तबाह हो जाते हैं, पूरे गांव के गांव जल जाते हैं। तो कह रहे हैं संसार में दुख हो रहा है ना हमको, इसका कोई और कारण नहीं है, अपने आप हमारे अपने कर्म है वही हमें दुख दे रहे हैं। कोई भी व्यक्ति कहे ना इसने ऐसा कर दिया, इसकी वजह से ऐसा हो गया, अगर अगर ये नहीं जाते तो इनका एक्सीडेंट नहीं होता, नहीं ऐसा नहीं, सब हमारे कर्मों का फल है, हमारे कर्मों के कारण ही हमें दुख हो रहा है। अगर इतना आप समझ लेंगे तो बहुत, हम बहुत समय बहुत कुछ हद तक शांति के प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप जल रहे हो, ठोकर खा के गिर गई, ठोकर खा के गिर गई तो क्या होगा, पैर आपकी ठोकर खाई पैर से, अब क्या करोगे, पैर को तोड़ दोगे, अरे नहीं हमने हमारी गलती ठोकर से खा गया, और किसी ने धक्का दे के गिराया तो तुम्हारी वजह से मैं गिरा, तुम्हारी फिर उसको हम गाली देंगे, मारेंगे, पीटेंगे। अगर हम खाना खा रहे, खाना खाते खाते दोनों दांतों के बीच में जीव आ गई, अब क्या करोगे, दांतों के बीच में आ गई, दांत तोड़ दोगे अपने, तोड़ोगे, अरे नहीं दर्द होगा सहन कर लोगे। हाँ तो दो चीज है, एक तो संसार में जो दावा नल है उसको जो दुख सुख आ रहे हैं समझ लो हमारे कर्मों का फल है, कोई दूसरा नहीं दे रहा। दूसरी चीज, इस संसार में हमेशा के लिए नहीं रहना नहीं है हमें, हम इस संसार में जेल में कोई रहना था, जेल में सजा भोग करने के लिए आते, और भगवान ने संसार को बताया क्या है, ये दुख का घर है, दुख का घर है, तो दुख के घर में हम कोई रहने आते, पर दुख की बात हमें क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा की पूरा रहने आए हैं और हम यहाँ से जाना है, हम ये समझ भी नहीं आ रहे। जैसे क्या हुआ, एक उदाहरण है,
एक पति पत्नी रहते थे, बहुत अच्छे दो बच्चे थे, उनकी नौकरी वोकरी करते थे, अपना खाते थे पीते थे। एक दिन क्या हुआ, पति किसी कारण से झगड़ा हो गया और जेल में चले गए। जब जेल में गए तो कमाने वाला कोई नहीं, अकेला ही है। जब कमाने वाला अकेला है तो पत्नी से कह रहा, तू चिंता मत करना, मैं 2 महीने में आ जाऊंगा, सजा भोग करके आ जाऊंगा, बच्चे का ध्यान रखना, जैसे भी होगा अभी जितना है पैसा उससे काम चला, फिर मैं आके कमाऊंगा, घबराना मत। और पहले दिन जेल में गया, जेल में गया तो उसको वहां पर एक ड्रेस मिली, क्या, कैदी नंबर 135, उसकी ड्रेस नंबर 135 नंबर मिली। तो जब वो गया वहां पर, बड़ा दुखी था, बच्चों की याद आ रही है, अरे क्या होगा इनका, पत्नी कैसी है, कमाई कोई कर नहीं रहा, क्या होगा, बड़ी टेंशन में। पर धीरे धीरे जब 10-15 दिन रहा ना जेल में, उसका मन लग गया, क्या लाइक तो क्या हुआ, वहां उसका क्या लगा, मन लग गया, वहां उसने दोस्ती कर ली कैदी नंबर 136 से। और फिर धीरे धीरे पत्नी को भूलता चला गया, फिर एक और कैदी मिल गया उसको 137, फिर कैदी एक और मिल गया उसको 138। तो उसको क्या, 3-4 कैदी मिल गए, वहां दोस्ती होगी। और जब हो गया, धीरे धीरे भूल गए, मेरी पत्नी भूखी है, मेरे बच्चे की नौकरी है, पढ़ाई रह रही है, अब उसका मन लग गया। अब उसका क्या, वो 2 महीने सजा पूरी होगी, अब जा नहीं रहा, कह रहा है इसको भी बुदा करो 136 वाले को, कह रहे नहीं उसकी सजा तो 2 साल की है, कह रहे मेरे को भी यहीं रख लो, हम तो रोज ताश खेलते हैं, बढ़िया आनंद आ रहा है। कह रहे ऐसे कैसे, तुम्हारी पूरा होगी, जाओ निकलो। कह रहे नहीं 137 को भी निकालो। बोले नहीं नहीं हम इसकी भी पूरी नहीं, इसकी 3 साल की है, कह रहे हमको 3 साल रख लो। मतलब कह रहा था 2 महीने वापिस आ जाऊंगा, अब वो भूल गया उनके साथ दोस्ती होगी। तो क्या हुआ कि यहां पर कहने का तात्पर्य क्या है, हम लोग इस संसार में आ गए, हम लोग भगवान को भूल गए, कृष्ण भूली से जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव संसार संसार देह संसार आदि दुख। माया क्या करती है, हम संसार में आए किसी तरह से ना कर्म फल भोगने, तो वहां हमारे कैदी नंबर 136, कैदी नंबर 137, कैदी नंबर 138 कौन है पता है, बुरा मत मानना, ये सच की बात है, शास्त्र ऐसे बोलते हैं। ये जो हमारे जितने भी परिवार वाले हैं और जो अड़ोसी पड़ोसी, ये कैदी नंबर ऐसे हैं। अगर हम कोई संत निकालने के लिए आए ना, निकालने मत हजरी है, सच की बात है। तो जब कोई निकालना है, भाई चलो बैकग्राउंड चलो, गोलोक चलो, तुम्हें लेने के लिए आए हैं, कहते नहीं यार इनको भी चलो, हम साथ चलेंगे, सारे एक साथ चलेंगे, नहीं तो जाएंगे नहीं। पर ऐसा होता नहीं है। अब आप एक उदाहरण देके बता रहा हूँ, जेल से निकलना हमारा निकलना चाहिए कि नहीं चाहिए, एक बहुत सिंपल उदाहरण है। हम बहुत सारे इसमें कैदी नंबर 133, 34, 35, 36, 37 बैठे, बहुत समय से जेल में सजा भोग रहे। एक दिन क्या आया, जेल में प्रधानमंत्री आए, प्रधानमंत्री आए, प्रधानमंत्री का बर्थडे है उस दिन, मानो 1 जनवरी है, नए साल आने वाला ना, तो नए साल में प्रधानमंत्री जेल में आएंगे, जो कैदी जो मांगेगा वो दे देंगे। प्रधानमंत्री के साथ मिनिस्टर चल रहे हैं, सारे मिनिस्टर चल रहे हैं, और MP भी चल रहे हैं वहां पर, उनका PM का PA जो वो भी चल रहा है कि भाई आज मेरा बर्थडे है, जो कैदी जो मांगेगा उसको क्या करो वो दे दो। तो वहां पर गए, कहना भैया तुम्हारी कैदी नंबर 135, बोले बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो कैदी नंबर 135 क्या बोलता है पता, कैदी नंबर 135 बोलता है, कहते प्रधानमंत्री जी मेरे घर में ना मेरी पत्नी मटर पनीर बहुत अच्छा बनाती थी, जेल में ये लोग दे नहीं रहे। कह रहे बस यही समस्या, बोले हाँ यही। कह रहे लिखो एक कटोरी मटर पनीर इनका, आज से एक कटोरी मटर पनीर बढ़ा दो। तो धीरे फिर आगे चले दूसरे कैदी के पास, वहां मिला कैदी नंबर 136, बोले तुम्हारी क्या समस्या बताओ। वो बोला देखो मेरे घर पे ना मेरी पत्नी एक गिलास गर्म दूध देती थी, जब से जेल में आया दूध नहीं मिला। कह रहे ये समस्या, बोले हाँ। कह रहे एक गिलास दूध लिखो इसका, पीछे पीछे चल रहे मंत्री और वो PM का चल रहा है, पूरे गार्ड वो सब चल रहे। कह रहे एक गिलास दूध लिखो, 136 का एक गिलास दूध बढ़ा दो आज से। आगे चले कैदी नंबर 137, कह रहे भाई तुम्हारी क्या समस्या, आज प्रधानमंत्री का बर्थडे है, आज जो बोलोगे वही मिलेगा। तो उन्होंने कहा तुम्हारी क्या समस्या बताओ। तो वो बोले जेल में ना मच्छर बहुत मोटे मोटे, एक मच्छरदानी दिला दो। मच्छरदानी चाहिए, बोले हाँ। कह रहे लिखो लिखो एक मच्छरदानी बढ़िया वाली, 1100 वाली एक मच्छरदानी लिख दी। अब एक चौथे नंबर पे आगे चले, तुम्हारी क्या समस्या है। कैदी नंबर 138 से पूछो तुम्हारी क्या समस्या। बोले कि मेरी यही समस्या है कि भाई मेरे को जेल से बाहर निकाल दो,
बस। अब बताओ बुद्धिमान कैदी में कौन सबसे बुद्धिमान है? करे हा? जेल से बाहर निकालो, पर जिसने कहा जेल से बाहर निकालो, ना तो मटर पनीर मांगा, ना दूध मांगा, ना मच्छरदानी मांगा, कुछ नहीं मांगा, तो समझदार कैसे बता ना? समझदार कैसे हो बताओ मुझे? ये बात ताली बजा, ताली बजा माता जी के। अगर अगर वो जेल में ना लिमिट है, उसको मिल नहीं रही, जैसे घर बाहर आ गए ना वो, अगर वो बाहर आ गया तो उसकी पत्नी मटर पनीर भी बना देगी, दूध भी दे देगी, मच्छरदानी भी दे देगी, और घूम भी लेगा, और घूम भी लेगा, घूम भी लेगा। इसलिए क्या है, एक जगत क्या है, एक जेल की तरह है। इस जेल में हम लोग थोड़ी थोड़ी चीज मांग रहे प्रभु से, प्रभु मेरा मकान नहीं दे दो, दूसरे मेरी शादी नहीं हो रही वो दे दो, तीसरा कहता है मेरे बच्चे नहीं हो रहे वो दे दो, चौथा कहता है मेरा तलाक करवा दो प्रभु। तो यहाँ पर क्या है, सब लोग ऐसे ऐसे मांग रहे, पर क्या है, हमें क्या मांगना चाहिए, प्रभु हमें इस जगत में ना सुख शांति नहीं मिल रही, हमें प्रेम चाहिए आपका, आपका प्रेम हम चाहते हैं, आपकी भक्ति करना चाहते हैं, और कुछ नहीं चाहते। हमारे एक बहुत बड़े संत है भक्ति विनोद ठाकुर, वो कहते हैं प्रभु तब पद युगे मोर निवेदन, नाई मांगी देह सुख विद्या धन जन, नाई मांगी स्वर मोक्ष नाई मांगी, कुछ भी नहीं मांग रहे हो, क्या करें प्रभु, एक ही इच्छा है, विषय जे प्रीति है बे आछय अमार, सही मत प्रीति हो चरण तुम्हार। कह रहे मेरा संसार में जैसे मेरा मन लग गया ना, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा नाती पोते हैं, इतना मेरा मन आप में लग जाए, ज्यादा नहीं, सिर्फ इतना भी लग जाए, क्यों? कह रहे विषय जे प्रीति है बे आछय, संसार में जितना प्रेम है उतना ही, कह रहे ज्यादा क्यों नहीं मांग रहे? कह रहे अगर इतना भी कर लोगे ना, भगवान पूरा खींच लेंगे आप, क्योंकि इतना रस है भगवान में, इतना आनंद है, अगर इतना भी कर लोगे ना आप भगवान के बिना रह नहीं पाओगे। तो क्या कह रहे हैं, जैसे इन्होंने घर बनाया, बड़ा सुंदर घर बनाया, मंदिर बनाया, मेरा मन प्रसन्न हो गया। हम सच बता रहा, हमारे गुजरों के घर में ऐसे मंदिर होते नहीं, तो बहुत अच्छी बात है। एक कालंदी की सलाह से चाची की कृपा नवदीप धाम जाती है, इनकी बड़ी बढ़िया से इन्होंने कहा होगा जबरदस्ती चाचा को करके, नहीं वो कहते यार इतना खराब हो रहा है, इतना एरिया क्यों करोगे, पर फिर भी इतना बढ़िया सुंदर मंदिर बनाया है। ऐसे घर में एक मंदिर बनाओ, वहां पर भगवान को विराजमान कराओ, जो भी कुछ खा रहे हो पहले भगवान को भोग लगाओ, जैसे अभी भोग लगाया, सर्दी के कपड़े पहले शॉल लोड़ो, ठाकुर को भी शॉल लाओ, जब जब अपने कपड़े लाओ ठाकुर को सर्दी कपड़े लाओ, जब गर्मी के कपड़े लाओ ठाकुर को गर्मी कपड़े लाओ। करे क्यों ऐसे करो? करे इसलिए ऐसे करो, घर के मालिक तो हो आप, पर आपके भी मालिक भगवान है। अगर इनको मालिक बना दोगे ना, फिर आपका जिम्मे खत्म, सारा सुख दुख का जिम्मे इनका है। भगवान कहते जो मेरा भक्त है ना, कहते ये अनन्य क्या योगक्षेम भाम्यम, अनन्य चिंतित माम ये जन प्रियवत तेसाम नित्य विक्त नाम योगक्षेम भाम्यम। बैठ जाओ बस, सारे शुरू हो जाते हैं। एक बताए मत, एक चिंता मत करो। मामी जी बैठ जाओ, थोड़ा आगे हो जाओ, थोड़ा आगे एरोप्लेन में कोई बैठ जाओ, बैठ जाओ। नवद्वीप में ओ गंगा सागर गए कि नहीं? गंगा सागर दे गए, सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। आप लोग से इस बार कौन गंगा सागर जा रहे हैं? नवदीप कौन कौन जा रहे हैं? नवदीप गंगा सागर हाथ उठा लो, गंगा सागर इस बार जा रहे हो? जा रहे हो इस बार? शादी अगर नहीं आई तो जाएंगे। हाँ किसकी? एक भतीजी की। कितना तारीख को? बस बैठ जाओ, महाराज जी कथा सुनाएंगे अभी। मैं बहुमूल्य कथा मैं तो ऐसे ही सुनाया आपको छोटा मोटा, अभी जो महत्वपूर्ण कथा है भगवान का भजन कैसे करना है, भगवान का हमारे जीवन में क्या रोल है। थोड़ी सी भी सेवा करोगे भगवान की, भगवान की सेवा थोड़ी सी कितना बड़ा फल है, और संसार में कितनी मेहनत करो कितना उसका नुकसान है, ये सब महाराज जी सुनाएंगे। अभी आप सुनो, हमारी 2 बजे से भागवत है, हमें जाना भी है, कथा सुनो फिर कीर्तन करेंगे। बोले से वृंदावन बिहारी लाल की, इतने भक्त बैठे जय के है बोल रहे हो, जोर से बोलो भगवान की, जितने जोर से जयकार दोगे उतना ही तुम्हारी जय।
ठाकुर का थोड़ी, ठाकुर का तो जय जयकार है, उनका जो जितने जय देते हैं तो उसका ही उतना ही जय होता है, उतना पाप खत्म होगा, उतना भक्ति मिलेगी। एक बार जोर से बोलो, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, आज के आनंद की, बोले गिरिराज बाबा की, बोले मोहन बाबा की। क्या क्या बोल रहे हो? जय नहीं बोल रहा है, कर रहा है तो जोर से हाथ नहीं उठा रहे, हाथ नहीं उठा रहे, हाथ उठानी चाहिए भगवान के, ठीक है। देखो इधर सुनो, ध्यान देकर, कोई बात मत करो, चुप हो जाओ दो मिनट। देखो आज हम लोगों का बड़ा भाग्य है, क्या नाम प्रभु जी? सुरेश। और भैया? सुनीता। सुनीता, आज इन्होंने घर में संतों को बुलाए, आज घर में सत्संग प्रभु की कीर्तन हो रही है, इसलिए हमारा शास्त्र कहता है यदि न गृहे भजन देखी गृह ते गोलोक भाई। इसका मतलब है जिस दिन घर में संत लोग आ गए, जिस दिन घर में हरि कीर्तन हरि कथा हो रही है, वो घर घर नहीं रह गया, वो घर भगवान का धाम बन गया, गोलोक वृंदावन बन गया। और भागवत में बताए सर्वाणि तीर्थानि बसंति तत्र जथा चुता दर कथा प्रसंग। इसका मतलब है जब घर में भक्त लोग आकर के हरि कीर्तन कर लिए, उसकी घर में 6 अरब तीर्थ आ गया। कितने? 1 अरब कितना होता है? 1 अरब कितना होता है बोलो? 100 करोड़ में। 6 अरब मतलब कितना हो गया? 600 करोड़ अरब तीर्थ उस घर में सबके सब आ गए हैं। वो घर घर ने घर से जितने अमंगल है, कितना मंगल भवन अमंगल हरी, घर में कीर्तन हो तो घर का सारे अमंगल दूर हो जाती है। भगवान का कीर्तन जितने दूर तक तो गूंजता है, उतना दूर तक घर का जितने दुख कष्ट पाप, अगर घर में कोई भूत पिशाच उल्टा पुल्टा हुआ होता है ना, घर में अगर संत लोग आ गए हरि कीर्तन हो गया तो घर का सारी अमंगल दूर हो गई। बोले एक समय कोई एक संत किसी गांव में प्रवेश किया, प्रवेश करते ही देखा बहुत बड़े एक पिशाच भयंकर एक प्रेत गांव से निकल रहा है। संत ने बोला भैया तुम कौन हो, तुम कहाँ जा रहे हो? माता जी पानी मत लाओ, वहीं चुप चुप बैठो, कथा सुनो, वहीं पर बैठे कथा सुनो, तू कथा सुन बैठ कर, इसलिए 10 मिनट बंद हो जाए। इसलिए उन्होंने बोले भैया, संत ने पूछा तू कहाँ जा रहे हो? बोले आप आ रहे हो ना इसलिए मैं जा रहा हूँ। उनको समझ में नहीं आया, बोले ये आ रहे जा रहे मतलब क्या। वो संत जब गांव में आए ना, देखा हर घर घर में दुख परेशानी, कोई बीमारी से परेशानी, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, गांव में कोई कोई सुखी नहीं गांव में। लेकिन संतों का काम क्या है? हरि कीर्तन हरि चर्चा करे। जब उन्होंने गांव में आकर के हरि चर्चा हरि कीर्तन करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे गांव का जितने दुख कष्ट था सारे दुख कष्ट घर सारे खत्म हो गया, गांव में सारे खत्म हो गया। इसलिए हनुमान जी क्या करते हैं, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम, दिन भर प्रभु का नाम जप करते हैं। लेकिन देखो कितना महावीर जब नाम सुना में भूत पिशाच निकट नहीं आते। भगवान का नाम से तो हनुमान जी पवित्र हो गए, दुनिया को पवित्र करते हैं, लेकिन हनुमान का जब नाम सुनते हो कितना महावीर जब ना, क्यों हनुमान में क्या शक्ति? हनुमान खुद कहता है रामायण पढ़ करके देखो, कहते सवेरे उठ करके मेरे कोई नाम ले मेरे मुंह देख लेना दिन भर उसको भोजन नहीं मिलेगा। लेकिन हनुमान कहते देखो राम की भक्ति की महिमा देखो, राम नाम की महिमा देखो, मैं राम का भक्ति करता हूँ, राम का सेवा करता हूँ, उसके नाम करता हूँ, उनका नाम से ही सारे दुख कष्ट दूर हो जाता है। समझो ठाकुर के नाम में कितने शक्ति है। इसलिए घर में अगर कोई दुख कष्ट हो घर में सब बैठ जाओ, बैठ करके थोड़ी समय ताली बजाते हुए ठाकुर का नाम लो, देखना कहीं तुम्हें जाने का जरूरत नहीं, समस्त दुख कष्ट परेशानी घर से अपनी आप खत्म हो जाएगी। भगवान खुद कहते हैं, नारद जी ठाकुर जी से पूछे ठाकुर जी आप कहाँ रहते हो, भगवान खुद कहते हैं मत भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद दुनिया कहते मैं वैकुंठ में रहता हूँ, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। दुनिया कहते मैं रहता हूँ योगियों का हृदय में, योगियों का हृदय में नहीं रहता हूँ। बोले भैरव कहाँ रहते हो? बोले जहां पर मेरे भक्त लोग एकत्रित होकर के मेरी कथा मेरी कीर्तन करते मैं वही रहता हूँ। इसलिए मानो आप घर में कीर्तन सत्संग हो रही, ठाकुर कहाँ आए गए?
तुम्हारी घर में आ गए, इसलिए इनके लिए ताली बजाओ जिन लोगों ने घर में कम से कम सत्संग और कीर्तन रखवाए। इसलिए ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शंकर जी पार्वती को कहते हैं, बोले पार्वती सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भर एको बारा। बोले पार्वती जीवन में अगर एक घड़ी आधी घड़ी आधी से अपनी आद तुलसी सत्संगत में नासे कोटि अपराध। अगर थोड़ी समय अगर जीवन में सत्संग हो जाए, कौन कह रहे हैं शंकर जी, अरे अगर कोई व्यक्ति बात करे ना, अरे उसकी बात का क्या महत्व है, लेकिन जो सत्यम शिवम सुंदर देवदेव महादेव किसको कह रहे हैं, एरे गरे व्यक्ति को नहीं कह रहे हैं, माता पार्वती को कहते हैं। बोले पार्वती सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भर एको बरा। पार्वती जीवन में अगर थोड़ी समय सत्संग मिल जाए तो ये जीवन धन्य हो जाता है, ये जीवन हमारी धन्य हो जाती है। इसलिए सत्संग की बड़ी महिमा है, हैं? जो देखो आज हम लोगों को, और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जगत में दो चीज दुर्लभ है, क्या है, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। एक तो संतों का संग दुर्लभ है और प्रभु की कथा दुर्लभ है, तुलसी दुर्लभ दोय। लेकिन देखो आज हमें ये दो चीज मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं बताओ, संतों का संग और प्रभु की कथा मिल रहा है, मतलब हम बड़े भाग्यवान है, हम बड़े भाग्यवान है जो थोड़ी समय हम लोग घर में बैठ कर हरि कीर्तन और हरि कथा करते हैं। इसलिए आप लोग भी घर घर में बुलाना संतों को, समझ रहे हो, घर में संतों को बुलाओगे, हरि चर्चा होगा, हरि कथा होगा, बच्चों के ऊपर में अच्छा असर पड़ेगा, बच्चे दारू नहीं पिएंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, हैं लड़कीबाजी नहीं करेंगे, गंदे कहां पर नहीं जाएंगे। लेकिन हमने देखा गुजर परिवार में, क्योंकि जब बहुत सारी जमी जगह था, घर मकान बना दिए, इधर उधर किया, घर का किराया आता है और बच्चे लोग दारू पी पी कर मर रहे हैं सबके सब, कोई छत के ऊपर से गिर रहा है, कोई सीढ़ी से गिर करके मर रहा है, ये सब गरीब हुआ करता था। लेकिन जब से हमने वहां पर गए ना, वहां पर सत्संग किया, ऐसे दारू के बाहर में बताया, जुआ फैल पूरा करके बंद कर दिया सबके सब, अभी कोई दारू भारू कोई वहां पर इतना पीते तो है छुप छुप कर, लेकिन हमने खुला बोला दारू भारू मत पिया करो, शराब भरा मत पिया करो, जुआ मत खेलो, गंदे काम मत करो। इसलिए वो धीरे धीरे सत्संग में जुड़े तो फिर वहां पर अपने आप शांति की परिवेश आ गई, क्यों, फिर बच्चे गलत रास्ता पर नहीं जाते, ठीक है ना बच्चे, इधर उधर उल्टा पुलटा संगत में मत बैठा करो, ऐसे नहीं आज थोड़ा पी लो रोज थोड़ी पीते हो, नहीं ये सब चीज नहीं करनी चाहिए। दारू पीने से बोले तीन लाभ होता है, कितना लाभ बोलो, पहला लाभ क्या है, बूढ़ा नहीं बनेगा। बोले बूढ़ा कब होगा, जिंदा रहेगा तो बूढ़ा बनेगा। वो तो पी पा करके कुछ दिन पहले की माता जी मेरे पास आई माला लेने के लिए, देखा वो भी कोई गुजरी थी, उसका दो छोटे बच्चे देखे, मैंने कहा इसके बच्चों का पिताजी कहाँ है, बोले मर गया। बोले कैसे, बोले दारू पीते थे, जब पकड़ा गया दोनों लीवर खत्म, बचने का कोई सवाल नहीं था। इसलिए कहते दारू पीने से क्या होता है, तुम पत्तियों को सब पीने मत दिया करना, ठीक है ना, हाँ पैसा पैसा उनको मत दिया करना, जो पैसा है अपने पास में रखना, अच्छे काम के लिए उनको देना। इसलिए पहला लाभ क्या, बूढ़ा नहीं बनेगा। दूसरा लाभ क्या, बोले घर में चोरी नहीं होगी। बोले चोरी कब होगा, कुछ घर में हो तभी तो चोरी होगी, वो तो बेच बाज करे पी पा कर सब खत्म कर दे, चोरी किस चीज की। तीसरा लाभ क्या है, बोले कुत्ते दोस्त बनेंगे, कहीं पी पा कर पड़ा रहेगा, कुत्ते आकर मुंह में पेशाब कर जाएंगे, इसलिए यहां से रहा है। इसलिए देखो अगर अगर संतों के संगम में आओगे ना, संत लोग गंदे काम से तुमको दूर रखाएंगे, गंदे अगर संतों के साथ में नहीं आओगे तो फिर तो नाम से तीन लड़के एक जुआरी एक गंजड़ी भंगड़ी होकर घूम रहे हैं सबके सब। लेकिन संत लोग आएंगे तो हम समझाएंगे, गंदे जी से दूर करवाएंगे, भगवान की भक्ति में लगाएंगे, भगवान की भजन लगाएंगे, ठीक है ना। घर घर में बुलाओ संतों को, बच्चों को बैठा कर समझाएंगे तो कम से कम घर में माहौल अच्छे बनी रहेगी, घर में सबके सब भजन भगवान की भक्ति करेंगे, ठीक है, सबके सब हरिनाम करियो। इसलिए अब एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। कोई बोलेगा अरे हरिनाम करने से क्या होता है, हरिनाम से होता है क्या, क्या लाभ है, कहते भैया हरिनाम से ही सब कुछ होता है, ऐसे क्या चीज होता है नहीं बताओ, हरिनाम नहीं करने से जो चीज नहीं होता है। इसलिए बताए बोले सर्व रोग उपशमनम सर्व उपद्रव समनम शांतिदम खांतिरष्टम हरिनामान कीर्तनम। हरि के नाम करने से क्या होता है, बोले सर्व दुख उपशमनम, जितने दुख है घर की समस्त दुख खत्म हो जाती है।
है, बोले सर्प रोग उपशमनम, जितने रोग व्याधि नष्ट हो जाती है, शांति दम, घर में शांति सुख आ जाती है। सर्वारिष्टम, अगर तुम्हारी कोई अरिष्ट मतलब शत्रु हो, वो शत्रु भी नाश हो जाता है। हरे नामानो कीर्तनम, हरि का नाम कीर्तन करने से ही सबके सब नष्ट हो जाता है, भगवान की नाम से नष्ट हो जाता है। देखो मैं एक कथा सुनाता हूँ ना, चार ही गोहों की कथा सुनाता हूँ आपको, है अच्छे तरह से सुना। बोले तुम सुना सकते हो, याद है तुमको कथा? सुनाओ, खड़े हो जाओ, खड़े फटाफट खड़े हो जाओ। हाँ सुनाओ, फट जोर से बोला। एक राजा था। हाँ अच्छे तरह सुना, ये कथा की बहुत सारी सीखी, अच्छे तरह सुना। एक राजा था, उसकी चार, ये कथा सुनने के बाद मैं पूछूंगा किसको याद आया, जो याद नहीं कर पाएगा उसको मेरे बीच में खड़े कर दूंगा, ठीक है? बच्चों ध्यान देकर सुनो, किसी बच्चे तुमको पहले पूछूंगा, बोलो। एक राजा की चार रानी थी, वो सबसे पहली रानी को प्यार तो सभी को करता था, लेकिन पहली रानी को बहुत ज्यादा प्यार करता था। उसके लिए जो जरूरत होती थी सब कुछ उसको ला करके देता था। जैसे हम साधारण जगत में देखते हैं, एक पति अपने पत्नी के लिए जो इच्छा जो जरूरत होती है सब ला करके देता है, वैसे ही वो राजा उस पत्नी की सब जो जरूरत थी उसको सब ला करके देता था। और दूसरी जो पत्नी थी उसकी, उसको अच्छे से सजा धजा करके उसको बाहर रथ में बैठा करके अपने साथ बाहर घुमाने के लिए ले जाता था, क्योंकि देखने में सबसे सुंदर ही वो सबसे सुंदर ही थी, इसलिए उसको अपने साथ में लेकर के घुमाने ले जाता था बाहर। और जो तीसरे नंबर की रानी थी, बड़ा मीठा मीठा बोलती थी, बड़ा प्यारा प्यारा बोलती थी, वो आपस में दोनों में मीठी मीठी बातें करते थे। और जब से चौथे नंबर की रानी थी, वो उससे कभी मिलता ही नहीं था, कभी पूछता ही नहीं था, उसे शादी करके ले आया, कभी उससे कपड़े के लिए क्रीम पाउडर ये वगैरह वगैरह कभी कुछ नहीं पूछा उससे, कुछ नहीं पूछा। अब इसमें जो सबसे पहली रानी थी, अभी राजा का मृत्यु का समय आया, राजा सोचा मेरे चार चार रानियां हैं, इनसे पूछ करके देखता हूँ कौन कहाँ तक मेरे साथ में चलती है, बोलो। पहली रानी के पास गया, उससे पूछता है, पहली रानी की अंत कौन थी, बोलो? अभी इतना जल्दी भूल गए हो? हाँ, सबसे ज्यादा किसको प्यार करता? हाँ, जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करता था और जिसकी मन पसंद चीज को दे देकर उसको खुश करता था, बोलो। हाँ, जरूरत पूर्ति करता था। पहले उसके पास गया, उससे बोला मेरा मरने का समय आ चुका है, तुम मेरे साथ चलोगी? बोलती है रानी, बोलती है अरे तुम्हारा ये फर्ज है मेरी सेवा करना, मैं भी जाऊंगी साथ में तुम्हारे, है ना? कदम भी नहीं जाऊं मैं तो एक कदम भी नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ, एक कदम भी नहीं जा सकती तुम्हारे साथ, ये तो तुम्हारा फर्ज है मेरी सेवा करना। बोले मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, इतना कुछ किया, जो चीज की तुम्हें जरूरत थी सब चीज ला करके मैंने तुम्हें दी, और तुम मेरे साथ ऐसा धोखा करोगी? बोले ठीक है चलो कोई बात नहीं, और दूसरी वाली से मिलते हैं। दूसरी कौन थी? सुंदर थी। सुंदर थी, उसे अपने साथ में ले जाता था, रथ में घुमाता था। दूसरी वाली रानी से मिला, दूसरी रानी बोलती है मैं तो सोच रही हूँ तुम कब मरोगे, मैं दूसरे से शादी करूंगा, क्योंकि मैं सुंदर हूँ, सब कर ले। वो सबसे सुंदर थी ना, इसलिए पहले तो तुमने दुनिया को मेरे को दिखा करके रखा कितने सुंदर ही, जहाँ जाओगी मेरे को वही पसंद करेगा, मैं तो दूसरे से शादी कर लूंगी। इतना सुनते ही उसको प्यार का नीचे जमीन खिसक गया, बोली क्या कह रही है, ये देख रही है मैं कब मरूं, दूसरे से शादी करेगी? अभी तीसरे से पूछा, बोलो रानी कौन थी? मीठा मीठा बोलती थी। उससे पूछा तो बोलती है तुम ज्यादा कहोगे तो मैं बस घर के दरवाजे तक तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं जा सकती। बोलते तुम भी मेरे साथ नहीं जाओगी? बस अब फिर जब चौथे रानी का नंबर आया, चौथे रानी अब सोच रहा है राजा कि मैंने तो कभी इससे कुछ पूछा ही नहीं, जो उसकी जरूरत है होती, पत्नी की जरूरत होती है, मैंने कभी पूछा ही नहीं उससे, कैसे पूछूं इससे। अपने आप में बड़ा लज्जित होकर के, बड़ा शर्मिंदा होकर के उसके पास गया, उससे पूछता है मेरा मरने का समय आ गया है, मेरे साथ चलोगी? रानी बोलती है खबरदार तुम मेरे पास आए कैसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की मेरे पास, तुम दूसरी रानी को इतना प्यार करते हो और मेरे पास मुझसे कभी कुछ पूछते ही नहीं हो, और मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी? उसको गुस्सा होगी। बाद में उससे बोलती है देखो राजा, तुम सब रानियों को प्यार करते हो लेकिन मुझसे प्यार नहीं करते,
लेकिन मैं तुम्हें हृदय से प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें हृदय से प्यार करती हूँ। और रानी तुम्हें हृदय से प्यार करती हूँ या ना करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें हृदय से प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अब आपसे प्रश्न है, राजा की चार रानी थी, वो सबसे पहली रानी कौन थी? जिसको हर एक जरूरत को पूरा करता था। हम अपनी कौन सी जरूरतों को पूरा करते हैं? ये जो कथा है ये और किसी राजा और कोई नहीं, राजा हम ही है। मान लो हम राजा हैं। हम नहीं, हम ही राजा है। अभी हमारी भी चार रानियां हैं, हैं? ये हमारा अपना जीवन की कथा ही है, एक कहानी के माध्यम से ये चीज हम समझा रहे हैं। बोलो, हम इसकी जरूरत को पूरा करते हैं सबसे ज्यादा अपनी शरीर। अपनी किसकी? अपने शरीर की। जो हमें जरूरत होती है, ठंडे लगती है तो गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्मी लगती है तो हल्के कपड़े पहनते हैं। खाने की इच्छा होती है, चाहे चाट पकौड़े की ठेला देखा तो उस पर चले गए, पनीर खाने की इच्छा पनीर खाया। मतलब जो जरूरत होती है शरीर की हम उसको देते हैं, नहाने क्रीम पाउडर है ना, साबुन क्रीम पाउडर इत्यादि इत्यादि, जो भी जरूरत होती है शरीर की हम उसे देते हैं। तो वो क्या रानी क्या बोली कि मैं तुम्हारे साथ एक कदम भी नहीं चल सकती। ऐसे ही जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तो ये शरीर हमारे साथ जाएगा? यही पड़ा रह जाएगा, इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, दूसरी रानी कौन थी? ठीक है, रथ में ले जाता था बैठा करके। सबसे सुंदर क्या है, हमें सबसे जरूरत किस चीज की है? जिसको दिखाते सबको, जिसको सब सबको दिखाते हैं हम, जो हमारे पास हो वो दिखाने के लिए जाते हैं ना राजा का, उसको रानी को क्या दिखाते हैं हम? शरीर तो पहले हो ही गया, सुंदरता भी हम दिखाते हैं अपने, पैसा पैसा मकान गाड़ी पैसा दिखाते हैं। जिसके पास हो संपत्ति हो क्या करेगा? अच्छी बिल्डिंग बनाएगा, इसलिए दिखाने के लिए लोग आएंगे, वाह वाह क्या बिल्डिंग बनाएंगे, है ना। और ऐसी गाड़ी खरीदेगा जो किसी के पास नहीं होगी, गाड़ी निकलेगी रोड से, लोग अरे कौन जा रहे हैं, बड़ी अच्छी गाड़ी है तो हमने आज तक कभी देखी नहीं, तो अभी देखा होगा विदेशों में उड़ने वाली गाड़ी चल पड़ी है, ऐसी गाड़ी लेकर आ गया हमारे देश में तो क्या होगा, अब देखेंगे। ऐसे ही तो दूसरी गाड़ी ने क्या बोला था उससे, राजा से, दूसरी शादी कर लूंगी। उसने कहा था कि तुम कब मरोगे मैं दूसरी शादी कर लूंगी। तो ऐसे ही ये पैसा है, जब तुम हम मर जाते हैं क्या होता है, जो हमारे पास जितनी भी धन संपत्ति है क्या होता है, तो दूसरे के नाम पे ट्रांसफर हो जाती है। कितनी भी संपत्ति हो, गुरुजी को उदाहरण बताते हैं, गुरुजी के गांव में बता रहे थे गुरुजी, एक आदमी मर गया, उसके चार बेटे थे, और गांव के गांव का ये सबसे बड़ा धनी था, वही व्यक्ति सबसे बड़ा धनी व्यक्ति था। और एक बेटे को जो है कुछ कम मिला, बंटवारा हुआ तो कम मिला, जब मर गया पड़ा हुआ है और डंडा लेकर के आ गया, बोलता है इसको उठने तब दूंगा मैं, पहले सारी संपत्ति का बंटवारा कर लो बराबर बराबर, तब उठने दूंगा इसे मैं, वरना उठने नहीं दूंगा। तो संपत्ति के लिए ऐसा करते हैं लोग, लेकिन वो होता थी किसके नाम पे, दूसरों के नाम से, साथ में जाती कुछ नहीं जाती। इसलिए अगर किसको बोलो भैया थोड़ा भगवान के भजन करो, बोले समय कहाँ हमारे पास में, बोले क्यों, बोले बच्चों के लिए थोड़ा पैसा कमा करके जाए ना। हमारे बड़े गुरुजी कहते थे बच्चे के लिए ज्यादा पैसा मत कमाओ, क्योंकि वो होनार होगा तो कमा ही लेगा, अगर वो नालायक बनेगा ना, जितने पैसा तू कमा करके जा रहे हो सारे को उड़ा देगा, दारू पी करके जुआ खेल करके। वो IPL आया था ना, किसने मेरे पास में आए, बोले बाबा मैंने जीवन में जितने पैसा कमाया था मेरे बेटा 5 मिनट में सारे पैसा खो दिया। मैंने कहा भैया 5 मिनट में कैसे, बोले 6 रन रह गया लास्ट में, IPL में 6 रन रह गया, आप देखना उसमें सट्टा लगाते हैं। जिंदगी में मैंने जितने पैसा कमा कर रखा था बेटा ने 5 मिनट में सारे पैसा उड़ा दिया। नहीं, हमारे गुरु जी कहते थे ऐसे पैसा कमाओ जो पैसा अभी भी तेरे पास में रहेगा और बाद में भी तेरे साथ में जाएगा, वो कौन सा पैसा है। इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, बस तो अमोल दीम रे सदगुरु कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो,
जितने भगवान के नाम धन को हम जप करते हैं केवल वही जाता है और कुछ जाता नहीं। इसलिए उनने जब दूसरी रानी की बोले पैसा को साथ में चलोगे, बोले मैं दूसरे के साथ में शादी कर लूंगी, वो भी गया। तीसरी पत्नी आई बैठ जाओ, धन्यवाद है। इसलिए तीसरी पत्नी उसको पूछा, जो बड़ा मीठा मीठा बोलती थी, मन की बात बोलता था, कहती ये कौन है? बोले परिवार वाले। सबसे पहले पत्नी की नंबर आई। किसकी नंबर आई? अब पीछे सुना भैया, ध्यान देकर बात काम की बात सुनो। इसलिए तीसरी नंबर पत्नी से पूछा साथ में चलोगी, पहला नंबर आई पत्नी की। पत्नी बोली कि चलूंगी लेकिन दरवाजे तक चलूंगी। हमारे हिंदू संस्कृत में पति की जब शरीर छोड़ी जाए, पति पत्नी कहां तक जाता है? कहां तक जाती है पत्नी? दरवाजे तक जाती है, उसको आगे नहीं चलती है। परिवार वालों से पूछे चलोगे? बोले क्यों नहीं, तेरे लिए अर्थी सजाएंगे, राम नाम सत्य करते करते ले जाएंगे। बोले कहां तक? बोले शमशान तक। वही फूंक करके ना टाटा करते करते वापस हम आ जाएंगे, उसको आगे और नहीं जाएंगे। देखो अंतिम स्त्री को देखो, राजा जिसको जीवन में कभी पूछा नहीं, कभी उसको तरफ में ध्यान नहीं दिया, पूछा भी नहीं तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं, लेकिन जब अंतिम समय में उसको पूछा, वही केवल जाने के लिए राजी हुई। बोले राजा तेरे को मैं दिल से बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन तू मेरे तरफ में एक कदम एक बार भी झांक करके नहीं देखा, भले ही तुमने जो कुछ किया किया लेकिन मैं तेरे साथ में चलूंगी। कहती ये कौन है जिसको जीवन में हम सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट करके रखे? कहते भगवान के नाम है, भगवान की भक्ति है। अगर किसको बोलो ए पीछे कौन बात कर रहे हो, चुप रहो। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को बोलो भैया भगवान की थोड़ा भजन कर, बोले बेकार काम, जिसका पास में कुछ टाइम ही नहीं ना, वही बैठ करके हरे कृष्णा करते हैं। हमारे पास बहुत काम, टीवी देखना, बात करना, गप्पे मारना, स्मार्टफोन देखना, कितने सारे हमारे पास में काम है। भैया जो कुछ कर लो लेकिन अंतिम समय में ये कोई भी हमारे साथ में नहीं चलेगी। आप लोग देखे होंगे जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ देता है, जब चार ही व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं, क्या बोलते बोलते ले जाते हैं? बोलो क्या बोलते हैं? यही तो बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा है। किसको सुनाते हैं? ऊपर जो व्यक्ति लेटा हुआ होता है ना, उसको सुनाते सुनाते ले जाते। बोले देख बेटा, जितने तुमने राम और कृष्ण का नाम लिया है, अभी तेरे साथ में वही जा रहा है, सब कोई बात झूठा है। इसके बगैर तुमने अगड़ुम बगड़ुम जो कुछ किया हो दुनिया में, एक सुई धागा भी तेरे साथ में नहीं जा रही है। पत्नी आएगी तो दरवाजा तक, परिवार आएगा तो शमशान तक, उसको साथ में कुछ भी जाने वाले नहीं। अब भागवत पढ़कर देखो, मरने का बाद जब महाराज को सामने व्यक्ति को खड़ी कर दिया जाता है, वो व्यक्ति को खड़ी कर देते हैं, उससे ये प्रश्न करते हैं तुमने कितने भजन किया? ये नहीं बोलोगे नहीं चार पांच बच्चे थे हमारी, इतने दुकान वकान बनाया उतना। कहते नहीं भैया, ये जीवन किस लिए दिया था? कहते आए थे हरि भजन को ओटन लग के पास। जब मातृ गर्भ से जीव जन्म लेता है, माँ के पेट से भगवान से कसम खा करके आता है, बोले प्रभु ये दुनिया में कोई किसी के नहीं, झूठा संसार है, एक बार ये नरक से निकालो, उठते बैठते तेरा ही भजन करूंगा, यही कसम खा करके हम आए थे। लेकिन आए तो कसम खा कर भजन करने के लिए, जो काम के लिए आए थे ना, उसको तो हमने पीछे रख दिया। एक बात क्या कर रहे हो? क्या बात कर? इसलिए जो काम करने के लिए आए थे उसको रख दिया पीछे, और जो नहीं करने के लिए आए थे ना, बस उसी में ही हम लग गए, उसी चीज चक्कर में लग गए, पर अंतिम समय में खाली हाथ में, मुट्ठी बांधी आया जगत में हाथ पसार जाओगे। इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, बस तो अमोल कदीम रे सदगुरु गुरु अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बोले चोर नहीं लेवे लुटे नहीं जावे, दीन दीन बढ़त सवा। कहते भगवान का जो नाम धन है, हैं? कहते ये चोर नहीं लेवे लुटे नहीं जावे फूटे नहीं जावे, दीन दीन बढ़त सवा। जो धन का मतलब बढ़ेगी, जो धन कभी घटेगी नहीं। इसलिए एक समय भगवान ने एक अच्छी शिक्षा दिया, किसने? भगवान चैतन्य महाप्रभु बोले प्रभु हमारे घर में आपका भोजन है। भगवान बोले मैं सबको घर में खाना नहीं खाऊंगा। बोले किसको घर में खाना खाते हो? जो बोले लखपति बनेगा, जो लखपति बनेगा। उस समय में 550 साल पहले लखपति मतलब 1,00,000 स्वर्ण मोहर जिसको घर में हो। भक्त लोग तो दुखी हो गए, तुम कहाँ डोल रहे हो, चुप बैठे हो वहीं पर।
तो जिंदगी भर तो आते रहेगा, कौन नहीं आएगा। हाँ बोले जो कथा खत्म हो जाएगी तब आएंगे। इसलिए बोले देखो, हाँ बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए भगवान बोले देखो, जो लखपति होगा उसको घर में भोजन करेंगे। बोले जिसको घर में उसी समय में 1,00,000 स्वर्ण मोहर। बोले हमारे घर में 100 रुपया भी नहीं, 100 रुपया मतलब 100 स्वर्ण मोहर होनी चाहिए। बोले हमारे घर में क्या भोजन नहीं करोगे। फिर भगवान ने समझाया, बोले जानते हो असली लखपति कौन है। बोले रोजाना जो 1,00,000 ठाकुर का नाम जप करते हैं। इसलिए मीरा की और एक भजन अब गाते होंगे, बोले ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाओ गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराओ गली गली, ले लो रे कोई राम का। अब सब गाते होंगे ना, गाते हो हाँ? कहते जिन जिन ने यह मोती लूटे वो सब माला माल हुए, माया के जो बने पुजारी आखिरियों का काल हुए, सोना चांदी माया बालो मैं समझाओ गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराओ गली। इसलिए आप लोग भजन गाते हो। असली जो धन है प्रभु का नाम रूपी धन ही असली धन। आप मेरे तरफ में देखो इधर, आप लोग लखपति कैसे बनोगे। अभी अभी टीवी में कोई बोल रहे थे आता है अमिताभ बच्चन का नाम सुने हो, सुने कि नहीं। कौन कौन वो आता ना, कौन बनेगा करोड़पति, आता ना कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा। भगवान कहते लखपति कौन बनेगा। देखो अब लखपति कैसे बनोगे, देखो अच्छे तरह समझो, इधर सुना। लखपति वो बनेगा जो भगवान के भक्त हो। हाँ सही बच्चा सही बोलता है। हाँ देखो इस तरह में देखो लखपति ध्यान से देखो, यही आपकी काम की चीज है। जैसे ये माला है ना, जैसे ये माला में, जैसे ये माला जब जप करते हैं ना, ये अंगुल को बाहर निकालते हैं। क्यों, ये गंदा अंगुल, हम कहते हैं तेरे को हम देख लेंगे हैं, सबसे पहले ये निकलता है। इसलिए इसको बाहर निकाल करके बीच वाले अंगुल के ऊपर रखते हैं। रख करके जैसे मेरे साथ में बोलो, बोलो हरी कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम हरि राम 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 हरि हरि, बोल करे ना इसमें एक मोती सरकेगा, ठीक है। पर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो 1,00,000 कैसे होता है मेरे तरफ में देखो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितना बार हो गया, 16 बार हो गया। जब एक माला मोती हमने सरकाया ना, 16 बार नाम हो गया, 2 मोती 32 बार है। करते 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 जब यहाँ हो जाएगी, इसको पार नहीं करना, इसको ऐसे घुमा देना, घुमा करके फिर दूसरे तरफ से करने का, ठीक है। अगर इसको ऐसे 16 माला कर लिया तो हो गया कितना, हो गया 25,000 हो गया 16 माला में। अगर हमने 64 माला कर ली ना, 4 बार 16 से हो गया कितना, 1,00,000। भगवान कहते हैं तुमने 1,00,000 माला नहीं की, आज तुम्हारे नाम पर बैंक में 1,00,000 रुपया फिक्स डिपोजिट होगी। भगवान खुद कहते बोले भैया ब्याज फिर कितने मिलेगी, प्याज तो मिलनी चाहिए ना। मीरा कह रही है, कहते दिन दिन बढ़ता सबायो पायो जी मैंने राम रतन धन। आज अगर 1,00,000 माला किया तो कल तुमको 1,25,000 मिलेगी और 4 दिन में 2,00,000। ये धन इतने इंटरेस्ट इसमें देता है जगत का। अगर धन को अगर कहीं फिक्स डिपोजिट करो ना, पता नहीं 8-10 साल में कहीं डबल होगा, और ये 4 दिन में डबल। यार ये धन कब मिलेगा तुमको, जब ये शरीर अंतिम समय में आएगा, जब शरीर छूटेगा, ये माला ये माल ऊपर पूरा की पूरा, जब चित्रगुप्त जब कापी खोलेगा ना, इतने पैसा तुम्हारी जमा हुआ होगा। जैसे देखो इधर सुनो ध्यान दे करके, जैसे अभी रहने के लिए इतने सुंदर घर बनाए, क्या हम कभी सोचते हैं जब ये शरीर छूटेगा हम कहाँ जाएंगे, वहां की परिवेश कैसे होगा, कभी सोचते हैं क्या, नहीं सोचते। लेकिन यहाँ मीरा कहती है अगर किसी ने प्रभु के नाम कोई जप करते हुए जाएगा ना, इतने तुम्हारे राज महल मिलेगी तुम्हारे लिए, राज महल। अंतिम समय में बैकुंठ से रथ आएगा तुम्हारे लिए, रथ में बैठ भागवत पढ़े होंगे, ध्रुव महाराज जी कथा सुने होंगे, जब उनका अंतिम समय आए रथ आया बैकुंठ से, ये शरीर छोड़े नहीं, काल भी स्वयं आया,
लेकिन काल के सर को पर प्यार रख करके उन्होंने ये सब शरीर में वैकुंठ विजय किया। क्यों? भगवान की भजन किया था। ठीक है ना? क्या करना है? कौन सा स्त्री, कौन सा नंबर स्त्री के ऊपर ध्यान दोगे बोलो? अरे बोलो, चुप कैसे हो गए? हाँ, इसके माता जी ने ताली बजाओ, उसे माता जी समझ गई, चार चार नंबर के लिए। ठीक है ना? चार नंबर बहु मतलब क्या है? थोड़ी समय प्रभु के लिए निकालो, निकाल कर सवेरे क्या करो, सबसे पहले नहा धो करके ठाकुर के सामने बैठो, सबसे पहले ये धन को लूटो। थोड़ा समय ठाकुर जी के लिए, घर का काम काज तो दिन जिंदगी भर करो, पूरा के पूरा दिन भर करो, लेकिन भगवान के लिए थोड़ी समय ठाकुर के लिए दिया करो। जैसे देखो ये लाइट जलती है, इसका बिल पे करते कि नहीं करते ना? अगर दो तीन महीना पे नहीं करेगा क्या होगा? कट जाएगी। अभी जैसे जैसे कोरोना आ गया, आपको पता होगा ऑक्सीजन के लिए कितने लोग मर गए, लेकिन जन्म से लेकर अभी तक ठाकुर नाक को पास में ऑक्सीजन रख दिया, उसके लिए क्या पेमेंट करते हो? पैसा कभी दिए हो? ठाकुर जी कभी मांगे हमें? मांगे कभी ठाकुर जी? मांगे नहीं। इसलिए गोस्वामी सूरदास जी कहते हैं, जिनी तनु दही ताही बिसर आई, कैसे नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल कलगामी। जिसने तुम्हें सब कुछ दे दिया, धन परिवार पुत्र कृपा करके तुम्हें इंसान का जीवन दिया, कुत्ते गधे सूअर का जन्म नहीं दे करके तुम्हें इंसान का जीवन दिया, ताही बिसराई, हमने उसको ही भूल करके बैठ गए और दुनिया को पीछे भाग रहे, दुनिया को पीछे भाग रहे जो कुछ भी देने वाले नहीं। देख लिया ना, शरीर भी गया, पैसा भी गया, पत्नी भी गई, परिवार के लिए गया, कोई भी साथ में नहीं गया। साथ में कौन जाती है? हरि की नाम। इसलिए क्या करो, सवेरे नहा धो करके सबसे पहले सारे काम को थोड़ी समय के लिए पीछे रख लो, रख करके सबसे पहले बैठे करके भगवान की थोड़ा माला जप करो, हरि नाम करो, उसके बाद दिन भर करो ना, कम खूब कमाई करो, खूब पैसा कमाओ, पूरा दिन भर काम करो। ठीक है बाबा, तुम पत्नी है ना, प्रभु जी को सवेरे जब भोजन करने आएंगे, देखो आप बड़े हो गए, आपको बोलने का जरूरत नहीं, अपने आप नहा धो करके सारे काम को पीछे रखना, रख करके सबसे पहले बैठे करके माला जप करना। ठीक है ना? उसको बाद में भोजन, अगर कभी भूल गए ना, इधर लोग अगर ये भूल गए कभी, बाय चांस भूल गए ना, याद करा देना, हाँ बाबा ने बोला था माला जप करने के लिए, माला किए कि नहीं? देखो पत्नी मतलब क्या है, पति को जो पतन होने नहीं दे, हर समय पति को जो उठा करके रखे, इसलिए सहधर्मिणी मतलब पति को जो धर्म में मदद करे, जो बेटा है, बेटा है ना, ठीक है बेटा, नहा धो करके जब तक थोड़ा हरि भजन नहीं कर दोगे, माला दो माला करके भोजन करना, ठीक है, उसको बाद में माता को, तुम देख लेना कोई भी काम करते हो, हम कहते ना करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे करने वाले हम नहीं, करने वाले ठाकुर है, देने वाले ठाकुर है। दिन भर एक व्यक्ति रिक्शा खींचता है, रात को सोते समय दो रोटी भी इकट्ठे नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम कमाने वाले हम नहीं, कमाने वाले ठाकुर है, देने वाले भी ठाकुर, ये मत समझो हमारा समय बर्बाद हो जाएगा, उधर जाते थोड़ा लाभ हो जाएगा, नहीं। भगवान कहते एक कदम मेरे तरफ बढ़ा, मैं 10 कदम बढ़ाऊंगा तुम्हारी प्रति, हैं, ठाकुर के प्रति विश्वास करो, देने वाले हुई चाबी कटे सब उसका उसके ही पास में, बस एक बार घुमा दिया तो हर काम हो जाएगा तुम्हारी, समझ रहे हो? इसलिए सबसे पहले घर में बैठे करके हरि की नाम करते, बच्चे किसके? सबके सब, ये बच्चों को इधर देखो, जितने माए हैं, ये रामायण पढ़ोगे अच्छे दर्शन रामायण, अब रामायण में सुने होंगे जब सीताराम वनवास जा रहे थे, उसी समय में कहते जो लक्ष्मण अपना माँ के पास में गए, लक्ष्मण का माँ का नाम क्या थी बोलो? सुमित्रा। अपना माँ के पास में गए, बोले मैया मेरे को आदेश दे दे भाभी भैया की सेवा के लिए मैं जाऊं। सुमित्रा इतने खुश हो गई, देखो सुमित्रा क्या कहती है, बोले पुत्रवती जुवती जगत सोई, रघुपति भक्ति जासूस होता हुई, बोले बेटे तेरे जैसे बेटे को मैंने जन्म देकर जीवन मेरा धन्य हो गया है, ऐसे बेटा मैंने जन्म दिया है कोख से जो रघुपति भक्ति, जो राम की भक्त निकला है। कहते माँ को कहते पुत्रवती जुवती, मतलब क्या, उसी माँ को पुत्र जन्म देना सार्थकता है, बोले किसी माँ को अगर तुम्हारी बेटा भजन किया तो, दूसरे लाइन में कहती हैं अगर तुमने बेटे को भजन नहीं कर पाए, नहीं करा पाए, कहते माँ को बांझ रहना सही, बच्चे जन्म मत दो, क्यों, बच्चा अगर गलत काम करेगा तो दारू पिएगा, मांस खाएगा, इसका पाप भी पिता माता को भोगना पड़ेगा। अब बताओ गांधारी के कितने बेटे थे,
एक भी कृष्ण भक्त नहीं निकला, सब कुलांगार निकले। द्रौपदी कितने बेटे, कुंती की कितने बेटे थे, सबके कृष्ण भक्त है। भागवत उनका नाम आती है, ध्रुव जी का नाम आता है, क्यों, भगवान की भक्ति किया है। और वहां पर क्या गाली देती जानती हो, कहते अवैष्णव सतपुत्रा जननी सुकरी समा, अगर तुम्हारे बेटे भजन नहीं किया तो सुअर जैसे बच्चे जन्म दिए, तुम सुअरिया जैसे बच्चे जन्म दे दिए, गाली देती है उनको, समझ रहे कि नहीं। इसलिए जितने तुम्हारे बच्चे हैं घर में नियम बनाओ, क्या नियम, जब तक बच्चे को बोलना एक एक माला करके पढ़ने के लिए जाए, क्या करके बच्चों, जब तक एक माला नहीं करेंगे उनको खाना नहीं देना है, उनको खाना नहीं देना। बोले नहीं बेटा, भगवान की देखना, जिस बच्चा प्रभु का नाम लेकर जाएगा ना वो बच्चा क्लास में फर्स्ट आएगा, देख लेना बुद्धि तेज होगा उसको, क्यों ठाकुर का नाम लेकर जा रहे, ठीक है। घर में नियम बनाओ इस चीज को है, लेकिन हम बच्चे को स्कूल कॉलेज भेजते हैं, बच्चे कहाँ बिगड़ते हैं, घर में बिगड़ते ना, स्कूल कॉलेज में बिगड़ते हैं। सिगरेट फूंकना कहाँ सीखते हैं, दारू पीना कहाँ सीखते हैं, स्कूल कॉलेज में जाकर। घर में कोई पिता माता तो बच्चे नहीं बिगड़ते हैं। अब वही बच्चा जब ज्यादा लिखा पढ़ा हो जाए ना, पिता माता तो गाली देता है, तू क्या जाने, तू हमें पीएचडी किया, हमने डीलिट किया है, हमने इंजीनियरिंग डॉक्टर किया है। लेकिन बचपन से अगर बच्चों को अच्छे संस्कार दोगे तो बच्चा कभी नहीं बिगड़ेगा। और सवेरे उठकर क्या करेगा, पिता माता की चरण छुएगा, पिता माता की चरण छुएगा, पिता माता की सेवा करेगा अगर संस्कार दोगे तो, ठीक है ना। लेकिन कब बच्चे करेंगे, जब माँ से सीखेंगे। पहला गुरु कौन है, माँ, कौन है, माँ। माँ जो करेगा बच्चा तो ही करेगा ना। अगर माँ अगर दिन भर स्मार्ट फोन लेकर बैठी हुई, दिन भर टीवी देख रही है, बच्चे क्या सीखेगा, बच्चा वही सीखेगा। अगर माँ अगर भजन करेगा, बच्चे भी भजन करेंगे, ठीक है ना। हाँ, सबके सबको देखो, सबके एक एक हम माला दे देते हैं, सबके एक, यहाँ पर तो ज्यादा मेरे भक्त है, भक्त लोग बैठे हुए, सब इकट्ठी सब माला लिए हुई है। जो लोग लिए नहीं है सबको एक एक माला दे जाऊंगा, ठीक है। सबके सब हरिनाम करो, भजन करो, जो कुछ खाओ ठाकुर को भोग लगा कर खाओ, ठीक है। घर में भगवान की भोग लगेगा तो घर का सारे दुख कष्ट दूर हो जाएगा। और लेकिन भगवान को तभी भोग लगा सकते हो जब प्याज लहसुन को त्याग दोगे, क्योंकि प्याज लहसुन देने पर ठाकुर को भोग नहीं लगता है। जो प्याज है ये गो मांस से सृष्टि हुआ है, इसलिए देखना जैसे नवरात्रि होता है ना, नवरात्रि दिन कोई भी प्याज लहसुन को कोई नहीं खाते, क्यों, गंदी चीज से सृष्टि हुआ है। ये चीज को छोड़ करके भगवान की भोग लगाओ, हरि नाम करो और जीवन में खूब आनंद में रहो, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बताओ किसको, किस पास में माला नहीं है, तुम्हारे पास में नहीं, तुम्हारे पास में नहीं, और किस पास में नहीं, तो हाथ नहीं उठा रहे, क्या चक्कर है, बोलो हाथ उठा, पहले आप सबसे पहले हाथ उठा, आपके घर में आप आए हो, आप लोग सबको माला देते, इनको एक एक माला दे देता हूँ, ठीक है। और ये लोग हरिनाम करते रहे, हरिनाम करते रहे, फिर जब ये सही करेंगे ना, प्याज लहसुन छोड़ देंगे, फिर तुलसी माला को दूंगा, गले में भी कंठी दे दूंगा, देख 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 देख, देख, देख। चौथी रानी भी आपके पास, हाँ चौथी रानी किसके पास में नहीं है, हाँ इधर इधर आ जाओ, इधर आओ, हाँ इधर आ जाओ, आ जाओ इधर आ जाओ, हाँ जो माला लेना इधर आ जाओ, तुम्हारे तुम सुना पिताजी प्रभु जी, ए, अब इधर आओ, ये आप दोनों है ना, ये माला, एक माला देता हूँ, इसको मंदिर में रखना, सबरे दोनों पिता माता मिलकर के, पिता और बेटा मिलकर के माला करना, दो माला है तुम्हारी पास में, मैंने दिया था।